हेलो एवरीवन, वेलकम टू तृप्ता इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप रिलाय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आईटीसी रिक्लेम की एंट्री को कैसे डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करके कंपनी मेन्यू में एंटर होना होगा। हम यहाँ ऑलरेडी कंपनी मेन्यू में हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलाय में आईटीसी रिक्लेम की एंट्री को डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन, जीएसटी एंट्री, आईटीसी एंट्री, रिक्लेम पे एंटर करेंगे। आईटीसी रिक्लेम का फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। वाउचर नंबर, यहाँ पे आपको आईटीसी रिक्लेम के जिस वाउचर को डिलीट करना हो वो नंबर यहाँ डाल देना है, एंटर कर देंगे। यहाँ पे हमारे सामने तीन ऑप्शंस आ जाएंगे, एडिट, डिलीट और क्विट। यहाँ हमें आईटीसी रिक्लेम की एंट्री को डिलीट करना है, इसलिए हम यहाँ डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। डिलीट, यहाँ पे हमें यस ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। आपकी आईटीसी रिक्लेम की एंट्री डिलीट हो जाएगी। इस तरह से आप रिलाय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आईटीसी रिक्लेम की एंट्री को डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।